नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो अभी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा राज कर रहा है। क्योंकि देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो दो ही प्लेयर अभी मार्केट में सबसे ज्यादा राज कर रहा है, वो है रिलायंस जियो और दूसरा है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल का जो टोटली मार्केट कैप है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। रिलायंस जियो का भी मार्केट कैप बहुत शानदार है। तो अभी देखा जाए तो इस दोनों कंपनी से कंपैरिजन करूं तो अभी भारती एयरटेल मार्केट में लिस्टिंग है, मगर जियो अभी भी मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो आप बहुत सारे लोग कहेंगे, सर आप वोडाफोन आइडिया के बारे में बात नहीं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं 2 दिन पहले एक वीडियो बना के दिया था आपको वोडाफोन आइडिया के ऊपर, इंडस टावर के ऊपर। इंडस टावर ने क्या किया वोडाफोन आइडिया के ऊपर, जो जो पैसे बाकी है, मतलब देखिए, वोडाफोन आइडिया बोलिए, भारती एयरटेल बोलिए, जियो बोलिए, हर किसी को इस इंडस टावर के माध्यम से टावर्स को मतलब किराए पे लेकर, भाड़े पे लेकर वो खुद का टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं। तो इंडस टावर को अगर टाइम टू टाइम पैसा ना मिले, वो कंपनी का टावर बंद कर सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया को 1 मंथ के लिए टाइम, सॉरी 1 मंथ मतलब अभी अक्टूबर चला है, नवंबर तक उसको टाइम दिया गया है। तो वो मंथ से पहले अगर उसका पैसा नहीं दिया तो कंपनी क्या बता रहा है, कंपनी वोडाफोन आइडिया के जितने सारे टावर से वो बंद कर देंगे, मतलब जितने सारे टावर से वो सर्विसेज लेते हैं वो सर्विसेज बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जियो के भी बात नहीं करूंगा, मैं आज बात करूंगा भारती एयरटेल के बारे में। क्योंकि भारती एयरटेल लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेक कर चुके हैं और साथ ही साथ कंपनी एक बहुत बड़ा न्यूज को अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। तो चलो, मैं वो कौन सा न्यूज है, वो कौन सा डेटा है, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है, कंपनी भारती एयरटेल है, मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको न्यूज दिखा देता हूँ। अगर आप भारती एयरटेल भी गूगल में सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से न्यूज दिखेगा, जैसे भारती एयरटेल हिट्स रिकॉर्ड हाई एंड 5G सर्विसेस लॉन्चेस, साथ ही साथ पीएम मोदी टू लॉन्च फर्स्ट 5G सर्विसेज ऑफ एयरटेल जियो एंड आईएमसी 2022। तो आप यहाँ पे जो चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो पहले आप देख लीजिए। देखिए, तो भारती एयरटेल ने जो न्यूज पब्लिश किया वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो भारती एयरटेल हिट रिकॉर्ड हाई, पहले मैं बता चुका हूँ कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, प्रीवियस जो रिकॉर्ड था, जो हाई था, उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा, और अगर आपको बाई करना है तो कौन सा लेवल से वो बाइंग आ सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, हाई अचीव्ड ऑफ 5G सर्विसेज लॉन्च, मतलब कंपनी 5G सर्विसेज लॉन्च करने वाला है। देखिए, जियो ने तो अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि दिवाली में जियो 5 स्टेट में 5G लॉन्च कराने वाला है। तो सेम टू सेम 5G भारतीय एयरटेल भी लॉन्च कराने वाला है, और वो भी बहुत स्टेटों में। तो जब 5G का लॉन्च होने का अनाउंसमेंट हुआ तो स्टॉक फिर से एक रॉकेट के जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो अभी जो यहाँ पे जो फिलहाल के लिए जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं शेयर ऑफ भारती एयरटेल हिट ए रिकॉर्ड हाई 808.85 एज दे रैलीड 6% इन फ्राइडे के दिन। ऑब्वियसली इंट्रा डे ट्रेड में, ऑब्वियसली पिछले दिन में इंट्रा डे ट्रेड में इस तरीके से कारोबार हुआ था, एहिड ऑफ लॉन्च 5G सर्विसेज इन इंडिया ऑन सैटरडे के दिन अनाउंसमेंट किया गया है। तो 1 अक्टूबर में यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो देखिए, द स्टॉक ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर ट्रेडेड हायर ऑफ द फोर्थ, यहाँ पे देखिए स्ट्राइट डे, मतलब कुछ दिन एक ही जगह पे हेज किया, उसके बाद आप में जम हुआ और ब्रेकआउट हुआ, तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो मेन पॉइंट्स क्या है, कंपनी यहाँ पे भारती एयरटेल क्या करने वाला है, 5G लॉन्च करने वाला है। ऑब्वियसली 5G मार्केट में जियो तो अनाउंसमेंट कर ही चुके हुए कि 5G कब आएगा, तो अभी भारती एयरटेल के बारी, तो भारती एयरटेल भी मार्केट में 5G लॉन्च कराने वाला है। आप कहेंगे सर वोडाफोन आइडिया कब लॉन्च करेगा, देखिए वोडाफोन तो पहले ही बंद होने वाला है, इस तरीके से कुछ न्यूज देखने को मिल रहा है। तो अगर वो बंद ही होने वाला है तो वो कहाँ से आपको 5G सर्विसेज देगा, वो 4G अभी ठीक ठाक से नहीं दे पा रहा है, तो 5G कहाँ से वो देगा, क्योंकि उसके हाथ में पैसा ही तो नहीं है। तो कब कोई भी फंडिंग अगर उसको दे तभी वो अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो अभी जो पॉइंट्स इसके सामने डिस्कस करूंगा वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न। देखिए, टेक्निकल चार्ट पैटर्न आप ध्यान से समझ लेना,
देखिए जब इस कंपनी का स्टैंड अप देखिए, कंपनी में देखिए बहुत दिनों तक एक ही साइड बेसिस में चला। मैं बहुत बार आपको इस चीज को भी बोल चुका हूँ, कोई भी कंपनी अगर एक ही रेंज बाउंड में चल रहा है, एक ही रेंज में, मतलब वही रेंज को ब्रेक करने का कोशिश करें, मतलब ब्रेक नहीं किया, अगर वो रेंज अगर ब्रेक हुआ तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और उसी मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिला, और फिर से देखिए यहाँ पे एक रेंज बाउंड देखने को मिला बहुत दिनों तक, तो उस रेंज बाउंड को फिर से ब्रेकआउट कर चुके हैं। आप यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न देखिए, तो मुझे जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए, तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मगर मुझे एक कन्फ्यूजन यहाँ पे लगा। क्यों? देखिए हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर रिसर्च करके कॉल भी देते हैं, मतलब हमारा जो ग्रुप है वो भी कॉल देते हैं, तो आप नीचे टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली बेसिस बैंक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस का कॉल मिलेगा, तो जाकर आप खुद ही चेकआउट कर सकते हैं। तो वो उसके एक लॉजिक है, उस लॉजिक में आपको समझा देता हूँ। जब प्रीवियस कैंडल हैमर जैसे बार बनते हैं, मतलब जो नेगेटिव कैंडल है उसको अगर ब्रेकआउट करे, तो ब्रेकआउट आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, आप कहेंगे सर यहाँ पे कैंडल तो स्ट्रॉन्ग बना है, मगर वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस जो मतलब हाई था उससे ज्यादा ऊपर होना चाहिए था, मगर उससे ज्यादा ऊपर नहीं हुआ। दूसरी बात, कंपनी का वॉल्यूम देखिए, तो वॉल्यूम यहाँ पे जो यहाँ पे जो एक लाइन ड्रॉ किया गया है, इस लाइन को मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगा, मैं आप जब टेक्निकल चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उस लाइन के नीचे अगर कोई भी वॉल्यूम बन रहा है तो सोचिए उस कंपनी का स्टेंड आपको ऑब्वियसली अभी उतना ज्यादा मतलब पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेगा, वीकनेस अभी भी है, अभी भी सेलर उसके ऊपर टिके हुए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं, ऐसे सोचकर निवेश मत कर दीजिएगा। ट्रेडर लोग ऐसे ऐसे सोचकर ट्रेड नहीं कर लेना, क्योंकि देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा आप में जा सकता है, फिर से वो रिटेस्टमेंट करेगा, मतलब रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट कहाँ पे होगा? देखिए अभी ये जो लाइन है, ये लाइन आपको सपोर्ट बन चुके हैं, तो सपोर्ट में जब आएगा रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद अगर रेड ग्रीन कैंडल बना और वो भी नीचे, मतलब विक्स नीचे ज्यादा होगा और ऊपर विक्स कम होगा, अगर इस तरीके से कुछ कैंडल बना तो उसके ऊपर से आप ट्रेड ले सकते हैं एज ए ट्रेडर के हिसाब से। तो इस तरीके से अगर ट्रेड लेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगा, मतलब रिस्क कम हो जाएगा प्रॉफिट ज्यादा होगा, इस तरीके से कुछ टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से टेक्निक आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं टेक्निक भी सिखाऊंगा, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में जितने सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज हमारा टीम काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, अभी से आपको बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊंगा। हाँ, हमारा प्रीमियम वर्जन भी है, प्रीमियम पेड वर्जन भी आने वाला है, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलो कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूँ, तो भारती एयरटेल जैसे कंपनीज के ऊपर डेटा देखेंगे तो देखिए कंपनी का रेवेन्यूज में कुछ कमियां नहीं है, हर साल में कंपनी रेवेन्यूज ग्रोथ होता जा रहा है, छोटा 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 करके स्टेप वाइज ग्रोथ होता जा रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे कुछ वीकनेस दिखेगा। कोविड के सिचुएशन में कंपनी 31,000 करोड़ का लॉस किया, कोविड के सेकेंड लॉकडाउन में 23,000 करोड़ का लॉस किया, अभी फिर से कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आया। क्योंकि देखिए कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होता है आप जानते हैं? सबसे ज्यादा प्रेशर होते हैं, वो इतने ज्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं, उस कर्जे को मिटाने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उस इंटरेस्ट पे करने से ही कंपनी जितने ही प्रॉफिट कमा ले उसका मार्जिन वहां पे ही चला जाता है, तो इसीलिए कंपनी नेगेटिव में चला जाता है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में यही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2% से भी ज्यादा इसका डेप्थ है, 2.20% से भी ज्यादा इसका डेप्थ है, तो सोचिए कितना बड़ा डेप्थ कंपनी लेके रखा है। तो मैं एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी का जो डेप्थ है उसके बेसिस से इस तरीके से कंपनी के ऊपर, ऑब्वियसली कंपनी में दम है, ये नहीं कहूंगा कंपनी में दम नहीं है, कंपनी में दम है, मगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको छोटा छोटा अमाउंट निवेश करना होगा। जब कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा, तब इस कंपनी के ऊपर स्टेक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा देना। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बर्निंग के बारे में बात करो तो लॉन्ग टर्म कर्जा आप देख सकते हैं, पहले 54,000 करोड़ का कर्जा था 2018 में, और अभी कितना बना? 94,000 करोड़। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही आ जाएगा कि सर इतना ज्यादा कर्जा है, क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में कुछ सोचने वाला काम हो सकता है क्या? बिल्कुल, कंपनी देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जायंट कंपनी है, अगर मार्केट में कंपटीशन है तो दोनों कंपनी अभी कंपटीशन कर रहा है, एक रिलायंस दूसरा है भारती एयरटेल, इस दोनों कंपनी हमेशा टक्कर लेगा, और टक्कर लेने के कारण कंपनी में मतलब आपको फायदा तो दिखेगा, दोनों दोनों कंपनी अच्छा खासा अच्छे से अच्छा सर्विसेज देने के कस्टमर का कोशिश करेंगे, तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट इस तरीके से कंपनी को मिलेगा। तो बाकी आप रिसर्च करना, तभी आपको और भी डाटा क्लियर हो जाएगा। तो
तो देखिए कंपनी के ऊपर अगर दम नहीं होता तो प्रोमोटर अभी भी 55.96 अराउंड अराउंड देखा जाए तो 56% बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके रखा है। एफआईएस भी देखिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है करीबन 18% तक। अगर कंपनी में खराबी होता तो एफआईएस माल बेचकर पहले ही भाग जाता। तो डीएस के पास भी देखिए करीबन 20% तक होल्डिंग है। तो सोचिए हर किसी के पास इस कंपनी के इस पब्लिक के पास भी छोटा मोटा अमाउंट है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा माल उठा नहीं पाया क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास है, उसके बाद एफआईएस डीएस के पास है। तो आदर्श के पास क्या होल्डिंग है, ऑब्वियसली आदर्श के पास भी छोटा मोटा अमाउंट है 0.04%। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, भारती एयरटेल जैसे कंपनीज के ऊपर हिस्सेदारी है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए कि कंपनी के आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया, ऐसे नहीं कि कंपनी आपको रिटर्न नहीं दिया, बिल्कुल अच्छा खासा रिटर्न भी माना जाता है। तो लार्ज कैप एक ब्लू चिप कंपनी है भारती एयरटेल, तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, बाकी आप रिसर्च करना, आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।